सफेद खिलाड़ू से प्लेयर से होने वाले कोई ट्रैप हम लोग देखने वाले हैं। ये पार्ट वन समझे, पहले भी मैं काफी ट्रैप्स के ऊपर वीडियो किए हैं। कारोकान डिफेंस है, E4 C6, D3 खेला इसने, थोड़ा और जनरली लोग नहीं खेलते हैं, तो D4 खेलते हैं या तो ये नाइट खेलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखना D3 खेला गया। उसके बाद D5 खेला उसने, D5 तो एकदम कॉमन मूव है। अभी इसको दो मूव से नाइट D2 पे लाना या नाइट F3 पे लाना, तो नाइट ड्यूटी से कोई ट्रैप होता नहीं है, तो नाइट F3 देखते हैं। नाइट F3, D क्रॉस E4, D क्रॉस E4 और Nxg5 एक मूव है, तो D क्रॉस E4 करता है तो कोई ट्रैप नहीं होता है, तो Nxf4 देखते हैं, सॉरी Nxg5, Nxg5 देखते हैं, तो Nxg5 इसने खेला। इसके बाद गेम ये मार देता है E क्रॉस D3, Bxd3, और इसके बाद इसको तीन मूव्स है, एक Nxf6 है, एक ये है H6 है, और ये एक E6 है। हाँ, छठे रैंक पे तीनों मूव चलती है, तो अगर ये Nxe6 करता है तो आगे कुछ नहीं होता है ट्रैप वगैरह, E6 करता है तो ठीक रहता है, नहीं करता बाकी की दो मूव्स है। बाकी की दो मूव्स है Nxe2 F6 मूव है, तो अगर Nxe2 F6 करता है वो Nxe2 F6, तो ये Nxe7 कर देता है, तो किंग से मारना पड़ेगा, नहीं तो इसको फोर का क्वीन और रूक को किंग से ये मार देता है, Bxg6 ला के चेक देता है, तो समझो Hxg6 इसने कहा है, तो ये यहाँ की क्वीन चली गई, क्वीन का सपोर्ट जो किंग का था वो निकल जाता है, और दूसरी जो मूव है वो सिमिलर होती है, दूसरी जो मूव देखी थी हमने H6, तो अगर H6 खेलता है, समझो H6, हाँ ये पोजिशन थी, Nxf7, Kxf7, सेम पोजिशन होती है, Bxg6 चेक, Kxg6 और क्वीन चली गई। इस तरह से ये ट्रैप ध्यान में रखना कि ऐसे प्रकार से ट्रैप हो सकता है। तो देखने के लिए धन्यवाद।